बिहार में हूं निवेदिता। महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक एक लंबे दौर के बाद शांत हुई और शनिवार को उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन के साथ साथ बहुत से छोटे दलों को भी साथ लेकर राज्य में 169 सीटों के साथ सरकार बना ली। हालांकि मिलीजुली सरकार और खासकर मूलों से हटकर बनाई गई सरकार किसी के गले तो नहीं उतर रही है, लेकिन शिवसेना ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि सब ठीक है। अब इस जोड़ तोड़ की सरकार के दिन कब तक ठीक रह पाएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन शिवसेना अपनी तरफ से भरपूर कोशिशें जरूर कर रही है। जैसे शनिवार को बहुमत साबित करने के बाद रविवार को शिवसेना के मुखपत्र सामना में एनसीपी चीफ शरद पवार की जमकर तारीफ की गई। कहा गया है कि पवार के बगैर राजनीति नीरस और रुचिहीन है। वहीं पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को आड़े हाथों लिया गया है। लिखा गया है कि महाराष्ट्र में विपक्ष नहीं रहेगा और पवार की राजनीति खत्म हो चुकी है। ऐसी हास्यास्पद और बचकानी बातें करने वाले देवेंद्र फडणवीस को ये दांव उल्टा पड़ गया है। पवार की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए शिवसेना ने कहा कि शरद पवार की वजह से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार का गठन हुआ और शिवसेना का मुख्यमंत्री बना। पवार की राजनीति को अविश्वास और धोखाधड़ी समझने वालों को इससे कड़ा जवाब मिल गया है। अचानक ही पवार के बारे में शिवसेना काफी ज्यादा ही बात करने लगी है। कह रही है कि पवार ने कभी दगाबाजी वाली राजनीति नहीं की। क्या ये कम है कि पवार ने देवेंद्र फडणवीस को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया? बीजेपी पर हमला करते हुए शिवसेना के मुखपत्र में लिखा है कि दोबारा महाराष्ट्र की सत्ता में आने की जल्दबाजी बीजेपी को ले डूबी। दिल्ली के भरोसे और अति आत्मविश्वास करने वाली राजनीति से महाराष्ट्र का विनाश ही होगा। फिर सामना में केंद्रीय गृह मंत्रालय पर भी टिप्पणी की गई है। कहा गया है कि जो भी कुछ महाराष्ट्र में हुआ इस पूरे मामले में राजभवन से ज्यादा केंद्रीय गृह मंत्रालय का हस्तक्षेप था। फिर इस पूरे प्रकरण में शिवसेना की ढाल बने रहने वाले, शिवसेना के लिए हर एक कदम सबसे पहले उठाने वाले शिवसेना नेता भी कहां पीछे रहने वाले थे। संजय राउत ने भी सरकार बनने के बाद एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है, वो भी ट्वीट करके। अपने ट्वीट में संजय राउत ने लिखा, मजबूत होने का मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर करने पर तुली हो। शिवसेना नेता संजय राउत इतने सब दलों के साथ मिलकर बनी सरकार को मजबूत होना बता रहे हैं। अब ये मजबूती तो तभी साबित हो पाएगी जब ये सभी दल मिलकर अगले 5 साल तक बिना मनमुटाव के बेहतर तरीके से सरकार चलाने में सफल हो पाएंगे, जिसकी संभावनाएं ना के बराबर हैं। लेकिन अब जब महाराष्ट्र में सरकार बन ही गई है तो देखते हैं कि ये कितनी दूर तक जाती है।